ਦਾ ਦੱਸ ਭੱਲੀ ਖੱਬ ਰਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਖੱਬ ਰਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज तो आ जाइए, हमारे सामने R15 V4 देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हुई है तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन, वो आपको अभी आगे दिखाएंगे कि क्या क्या भाई का भाई ने चीज़ें कराई हुई है। तो भाई मिलते हैं भाई इस बाइक के ओनर से। आओ भाई। हेलो ब्रो, क्या हाल है? तो भाई स्टार्ट करते हैं इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि इसके अंदर आपने क्या क्या कराया हो मॉडिफिकेशन में। अच्छा, और एक एग्जॉस्ट लगवाया है। और कुछ नहीं, एग्जॉस्ट देख सकते हैं भाई, SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसका भी अभी आपको लास्ट में साउंड सुनाएंगे। और इसके अंदर PPF हुई है भाई। बाकी इसके अंदर आप लुक देख सकते हो, सही आ रहा, बहुत तगड़ा। और बात करते हैं इस बाइक के मॉडल से। भाई बाइक का मॉडल कौन सा है? 22 के शुरू का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बाइक की कंडीशन ओवरऑल बहुत तगड़ी है अभी, ठीक है। और चल कितनी गई है अभी? 24, 24, 24, 24। तो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा भी सकते हैं, ये देखो, ठीक है, 24 चल गई है, ठीक है, 24.5। तो और भाई ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन के नाम पे इसमें दो चीज़ें कराई है। एक तो आफ्टर मार्केट इंडिकेटर लगे हैं, ठीक है, और दूसरा PPF है और SC प्रोजेक्ट है। SC प्रोजेक्ट का साउंड हम आपको लास्ट में सुनाएंगे। और बाकी इसके अंदर फ्लैशर नहीं लगा, फ्लैशर भाई जितना जल्दी हो सके लगवा देंगे, ठीक है। देख सकते हो पीछे से इसका लुक। और भाई आपने इसकी टॉप कितनी ली हुई है अभी तक, कितनी खींची है? 150 के समथिंग। 150 भगा दिए, तो बढ़िया। और एवरेज क्या दे रही है? एवरेज तो दे ही नहीं कुछ। कितना दे रही है फिर भी? एग्जॉस्ट के बाद कम हो गई है ना, उससे पहले तो आती होगी 45। उस टाइम तो आ रही थी 50 के आसपास आ रही थी। तो भाई इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी आता है, तो देख लो इसके अंदर आता है। और एक R15 की वो V4 आती है ना रेड वाली, ये कौन सी V4? ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, उसमें नहीं आता ना, इसमें आता है। अच्छा, इसमें आता है M और रेसिंग ब्लू। तो भाई देख लो, भाई को फायदा होगा। और ये पड़ी कितने की थी उस टाइम? पौने तीन लाख की पड़ी थी, देख सकते हो भाई। तो बाकी इसका प्रोजेक्टर वगैरह प्रॉपर लुक देख लो, कितना शानदार आ रहा है, ठीक है। तो भाई अब हम इसकी बात कर ले परफॉर्मेंस की। तो भाई एग्जॉस्ट लगवाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी, डाउन हुई है या अप हुई है? अप हुई है, मतलब जितनी पहले वक्ती थी उससे डबल हो गई है। पहले से ज़्यादा पिकअप आ रहा है भाई। अभी एक लास्ट चीज़ और पूछ ले भाई, मेरे को ये बताओ इस बाइक में कोई आपको नुकसान लगा हो 2 साल में लेने के बाद? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, मतलब पिलेन बैठे हैं, एक बंदा बैठा है तब भी आपको वैसी चलती है जैसे? और व्हीली सही लगती है इसमें? बढ़िया लगती है व्हीली भी, ठीक है। तो भाई देख लो, भाई ने यहाँ पे स्नाइपर लिखवाया हुआ, कितना सही लग रहा है, ठीक है। तो भाई अब इसका हम आ जाते हैं साउंड पे। भाई इसको एक बार स्टार्ट करो, सिर्फ स्टार्ट। भाई ये इसका एग्जॉस्ट साउंड है, भाई रेव कर दो पूरा। तो भाई ये था इसका कुछ साउंड। तो ब्रो ये BS6 है ना? BS6 है, तो इसके अंदर फ्लेम्स आती है? नहीं आती, फ्लेम्स नहीं आती ना। फ्लेम्स आएगी वैसे तो BS4 में आराम से आ जाती है, BS6 से इसलिए नहीं आ रही। तो भाई आ जाएगी, उसमें वो नहीं लग रहा, बैंड पाइप नहीं लग रहा ना, बैंड पाइप लग जाएगा फिर आ जाएगी वो भाई। तो
और अभी तक इसके अलॉय में थोड़ा सा पेंट निकल रहा है। ये कैसे निकल रहा है? पीछे वाला का निकला? खड़ी हुई थी। अच्छा, खड़ी हुई थी काफी महीने, खड़ी रही घर पे। अच्छा, पानी में धूप में खड़ी रहती है। ओके, काफी महीने चलाई नहीं थी मैंने इसको, तीन चार महीने नहीं चलाई। और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है? ढाई तीन हजार आ जाती है। तो भाई देख सकते हो, ये था इसका कुछ रिव्यू। कमेंट करके जरूर बताना आपको बाइक में क्या पसंद आया। ठीक है, तो भाई व्लॉग पसंद आया तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अगला व्लॉग किस बाइक या किस गाड़ी में चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई ओके, बाय गाइस।